छत्तीसगढ़ में तीन जगहों के नाम बदले गए। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल गया। सीएम भूपेश बघेल ने इसको लेकर निर्देश जारी किया। चंदखुरी का नया नाम कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है चंदखुरी में। श्रीराम वनपथ गमन पर्यटन परिपथ में भी शामिल है चंदखुरी। गिरौदपुरी का नया नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी होगा। सतनाम पंथ के अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र है गिरौदपुरी। सोना खान का नया नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान होगा। 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली है सोना खान। तो राजपथ में तीनों नए नामों का जल्द ही प्रकाशन होगा। और रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, ये पहले से तय माना जा रहा था कि इनके नाम बदले जा सकते हैं इन शहरों के, या फिर ये आकस्मिक हुआ, अचानक हुआ? देखिए, तो अचानक लिया हुआ फैसला ही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले से ही सांस्कृतिक धरोहर जो छत्तीसगढ़ की है उन्हें सहेजने की लगातार कवायद कर रहे हैं और ये उनके प्राथमिकताओं में शामिल भी है। और इसी कड़ी में ये जो तीन प्रमुख सेंटर हैं, गिरौदपुरी का जिक्र करें तो बाबा घासीदास की ये तपोभूमि है और सतनाम पंथ की सबसे बड़ी तीर्थस्थली इसे कहा जाता है, इसका जो नाम था वो अब बाबा घासीदास धाम गिरौदपुरी कर दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सोना खान शहीद वीर नारायण सिंह जो थे 1857 के छत्तीसगढ़ की जो क्रांति हुई उसमें पहले शहादत देने वाले एक प्रमुख आदिवासी चेहरा थे, इनका इलाका है सोना खान, तो उनके नाम पर सोना खान को रख दिया गया। साथ ही साथ चंद्रखुरी माता कौशल्या का दुनिया का पहला मंदिर है और सीधे सीधे राम से जुड़ा हुआ है। राम वनपथ गमन सर्किट में भी ये चंदखुरी आता है। माता कौशल्या धाम के नाम पर अब चंदखुरी को पहचाना जाएगा। तो एक साझी सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ जो एक आध्यात्मिक नजरिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है वो इस फैसले के जरिए देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि ये सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की कवायद का एक हिस्सा मुख्यमंत्री का होगा, लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर जाएं तो एक पॉलिटिकल माइलेज भी इसके जरिए न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि कांग्रेस की सरकार को आने वाले दिनों में मिल सकता है। यानी कि अब इस पूरे मामले में विपक्ष क्या हमलावर हो सकता है नामों को बदलने की जो कवायद चल रही है इसको लेकर सियासत इस पर होगी आपके हिसाब से? देखिए बड़ा ही ये ऐसा राजनीतिक कहें या सरकारी निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है जिसमें विपक्ष किसी तरीके का सवाल नहीं उठा सकता। यदि गिरौदपुरी में बाबा घासीदास के नाम पर उस स्थान का नामकरण हुआ है तो राज्य में जो सतनामी समाज है, एक बड़ा सतनाम समाज जो है वो एक सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर इससे न केवल गौरवान्वित महसूस करेगा बल्कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झुकाव जो होगा वो राजनीतिक नजरिए से यदि बात करें तो कांग्रेस सरकार के प्रति हो सकता है। यही तस्वीर चंद्रखुरी पर भी देखने को मिल सकती है और यही बात सोना खान जो कि शहीद वीर नारायण सिंह की स्थली है वहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो राजनीतिक तौर पर विपक्ष इस पर किसी तरीके का रिएक्शन दे इसकी संभावना तो लगभग नहीं के बराबर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।